हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इनोवेशन वाईफाई स्टडी। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.2। अब 8.2 का इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में हमने कर लिया है, यानी इसका इतना ही इंट्रोडक्शन है। इस अगर आपको टेबल याद है इसकी अच्छे तरीके से, तो आप इनके सभी क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे इसका पहला ही क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस में साइन 30 डिग्री और कॉस 60 डिग्री। अगर टेबल अच्छे तरीके से याद है, जैसे साइन 60 डिग्री है, इसका वैल्यू होता है रूट 3/2 इंटू कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2 प्लस में साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 और कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। यहां से 2 का मल्टीप्लाई हमारे पास में 4 होगा और रूट तीन का मल्टीप्लाई हमारे पास में 3 होगा। प्लस में ये 1 का मल्टीप्लाई 1 होगा और ये 2 का मल्टीप्लाई हमारे पास में 4 होगा। तो इनका एलसीएम लोगे आप, आपको लेना है इसका एलसीएम। तो 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा और ये लिखोगे 3 प्लस में 1, ये हमारे पास में चलेगा मान 4 अपॉन में 4 और ये कैंसिल होगा तो 1 इसका आंसर हो जाएगा, इसका 1 आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, 2 tan स्क्वायर है और 45 डिग्री है, 45 पे इसका मान होता है 1 और इसका हमें करना है स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो। प्लस में cos 30 डिग्री है और cos 30 डिग्री का मान होता है रूट 3/2 और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। माइनस में साइन 60 डिग्री और साइन 60 डिग्री का मान भी 3/2 होता है रूट में और इसका स्क्वायर करना है। आगे देखो इसका मान कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 1 ही होता है। प्लस में ये हमारे पास में रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और ये 2 का स्क्वायर हमारे पास में 4 हो जाएगा। माइनस में ये हमारे पास में 3 हो जाएगा और ये आपके पास में 4 हो जाएगा, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। अभी ये प्लस का है, ये माइनस का, कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास में क्या बनेगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया क्या? चलो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं इसके 3 नंबर क्वेश्चन पे। इसके 5 पार्टीशन है एक ही क्वेश्चन के, तो देखिएगा इसका 3 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, टेबल आपको याद होनी चाहिए इसमें। अब देखो कोस 45 डिग्री है, इसका मान कितना होता है 1/√2 होता है और नीचे हम लिखेंगे जैसे sec 30 डिग्री है और sec 30 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3/2, तो इसका अपोजिट कर देंगे जैसे 2/√3 हो जाएगा। प्लस में 2/√3 हो गया, प्लस में यहां से किसका है cosec 30 का मान और जैसे sin 30 का मान क्या होता है 1/2 होता है, तो इसका अपोजिट कर दो 2 हो जाएगा। यहां से इसका एलसीएम लोगे, नीचे वाले का अगर आपने एलसीएम लिया है तो रूट 3 इसका एलसीएम ले लिया, यहां पे क्या बनेगा 2 प्लस में 2√3 बनेगा और यहां से बनेगा 1 अपॉन में √2, तो ये तो ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो ये चेंज करेंगे तो √3 ऊपर चला जाएगा। इसके साथ में इसमें से 2 कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया और ये √2 ऊपर वाला नीचे आ गया, तो ये बन गया 1 प्लस में √3 बन गया हमारे पास। अब देखो इसमें हम क्या करेंगे, √3 प्लस में 1 है या 1 प्लस में √3 है, जो भी है। अब इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, यानी ऊपर नीचे हम सेम इसके अपोजिट साइन से सेम संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें हमारे पास में जैसे इसको हम लिख सकते हैं, थोड़ा सा एक बार चेंज कर दो, एक ही बात है लेकिन चलो ठीक है लिख देते हैं, फिर माइनस बाद में कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या है, प्लस का 1 है और 1 प्लस में √3 है तो 1 माइनस में √3 हो जाएगा और ये क्या होगा 1 माइनस में √3 इज इक्वल टू √3, नीचे क्या होगा 2√2
और ये हमारे पास में हो जाएगा 1 + √3 और 1 - √3। तो इसका मान कितना है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और माइनस में √3 का स्क्वायर √3 हो, √3 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 + में क्या बनेगा, 1 - में, 1 - में 3 बनेगा। यानी हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं फॉर्मूला। हमारे पास में फॉर्मूला बनेगा, जैसे ए स्क्वायर है माइनस में बी स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस में बी और आगे लिख सकते हैं ए माइनस में बी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से ये हमारे पास में बनेगा 1 - √3। अब इसका नीचे देखो वैल्यू क्या बच गया, इसका दोबारा भी रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा हमें, यानी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जैसे रूट 2 नीचे है तो ऊपर नीचे √2 से भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 और ये भी हो जाएगा √2। अब अपॉन में क्या बनेगा, देखो माइनस के 2 बचेंगे यहां से, √2 का √2 के साथ में मल्टीप्लाई हमारे पास में 2 हो जाएगा और 2 इसके मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी और ये माइनस के 2 हो जाएगा। यहां पे क्या बनेगा, √3 और √2 का मल्टीप्लाई √6 हो जाएगा और ये बनेगा 1 - √3, 1 - √3। तो ये हमारे पास में होगा √6 और ये 1 - √3 अपॉन में मल्टीप्लाई आएगा -k8। ये भी आपका राइट आंसर है अगर आप इसको पॉजिटिव में बनाना चाहते हो, ठीक है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका। अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे माइनस का या इससे, इसको तो अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इससे माइनस बाहर निकालोगे, कॉमन ले लोगे, तो आपके पास में जैसे माइनस कॉमन ले लिया तो बाहर माइनस आ गया, तो ये हमारे पास में बनेगा जैसे √6 है बाहर, एक बार √6 को बाहर रखो और ये हो जाएगा √3 - 1 अपॉन में -k8। ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास में बनेगा √6 को अंदर भेजोगे तो √18 हो जाएगा, √3 × √6 √18 माइनस में √6 अपॉन में 8 हो जाएगा। अब √18 को क्या लिख सकते हैं, 9 × 2 लिख सकते हैं माइनस में √6 अपॉन में 8 और 9 रूट से बाहर आएगा 3 के रूप में आएगा, 3 × √2 माइनस में √6 अपॉन में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर अगर बुक से मैच करना चाहते हो तो ये आपका आंसर होगा। आंसर तो ये ऊपर भी राइट हो जाता है लेकिन आपको नीचे भी स्टेप करना पड़ेगा, ठीक है। अब चलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब ये इसका स्टेप है, तो इसमें भी आपको वैल्यूज याद होनी चाहिए। इसका सॉल्यूशन करते हैं तब, जैसे sin 30 का मान है 1/2, प्लस में tan 45 का मान है 1, माइनस में cosec 60 का मान, cosec 60 डिग्री का मान हमारे पास में क्या आएगा, sin 60 डिग्री के इक्वल आएगा। sin 60 का मान क्या होता है, वैसे तो √3/2 होता है, इसका अपोजिट करेंगे तो 2/√3 आएगा, 2/√3 अपॉन में क्या वैल्यूज आएगी, जैसे sec 30 का मान, और sec 30 का मान कितना हो जाएगा, cosec 30 का अपोजिट होता है, cosec 30 का मान होता है हमारे पास में √3/2, तो sec का क्या हो जाएगा, cos का होता है 30/2 √3/2, तो इसका क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, 2/√3। और यहां से प्लस में cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, cos 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा हमारे पास में, हो जाएगा 1/2, और प्लस में cot 45 का मान, यानी cot 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहां से क्या वैल्यूज आएगी, अब एलसीएम ले लो ऊपर वाले का, कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम ले लिया आपने ऊपर वाले का, तो ये आएगा 2√3, यहां पे बनेगा √3, यहां पे बनेगा प्लस में 2√3 और ये बनेगा माइनस के
रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर, अपॉन में ये बनेगा टू रूट थ्री, और ये क्या हो जाएगा, जैसे आपके पास में टू रूट थ्री है ना, तो रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, ये तो फोर हो जाएगा, और ये यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में रूट थ्री आएगा क्या, चलो ठीक है, और ये प्लस में आ जाएगा आपके पास में टू रूट थ्री, तो इस टू रूट थ्री से टू रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा। आगे का जो स्टेप निकल के आएगा वो आपके पास में आएगा, जैसे रूट थ्री प्लस में टू रूट थ्री कितना हो जाएगा, अभी हमारे पास में थ्री रूट थ्री माइनस में फोर अपॉन में, ये आपके पास में हो जाएगा थ्री रूट थ्री और प्लस में फोर। अब इसका हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को नीचे वाले वैल्यू का अपोजिट साइन लेके ऊपर नीचे सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ से कैसे करोगे, थ्री रूट थ्री यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव साइन, प्लस में माइनस के फोर, और यहाँ से सेम संख्या होनी चाहिए। अब तो अब ऊपर क्या बनेगा यहाँ से, ठीक न्यूमरेटर में क्या बनेगा, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर हो सकता है ना, ये से थ्री रूट थ्री माइनस में फोर, इसको अपन स्क्वायर लिख सकते हैं, सेम सेम संख्या है, और नीचे वाली तो वही फॉर्मूला रहेगा, ए का स्क्वायर माइनस में बी का स्क्वायर, यानी थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर, थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर माइनस में फोर का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, होल स्क्वायर खोल दो एक बार, ओपन कर दो, इसको क्या बनेगा, जैसे ए का स्क्वायर ए माइनस में बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में टू ए बी होता है, तो यहाँ से थ्री रूट थ्री का होल स्क्वायर प्लस में फोर का होल स्क्वायर माइनस में फोर इंटू थ्री ट्वेल्व इंटू टू ट्वेंटी फोर रूट थ्री अपॉन में, ये क्या बनेगा, इसका होल स्क्वायर करोगे ये तो नाइन हो जाएगा, इंटू रूट थ्री का स्क्वायर क्या करोगे थ्री हो जाएगा, और माइनस में सिक्सटीन, तो ये वैल्यू बचेगी हमारे पास में, ये तो आ जाएगा नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन प्लस में सिक्सटीन माइनस में ट्वेंटी फोर रूट थ्री, और ये हमारे पास में बनेगा ट्वेंटी सेवन माइनस में सिक्सटीन, ट्वेंटी सेवन माइनस में सिक्सटीन। अब देखिएगा आगे हमें ये ऐड करना है, दोनों 27 और 16 ऐड करेंगे तो ये 43 हो जाएगा, माइनस में 24 रूट थ्री अपॉन में देखो कितना बचेगा, 27 माइनस में 16 सबट्रैक करेंगे, यानी माइनस का साइन है नीचे तो सबट्रैक करेंगे तो हमारे पास में 11 बचेगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर हो गया ना, नेक्स्ट पे चलें। चलो इसके लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइव नंबर, एक ही क्वेश्चन के हैं ये पांच पार्टीशन, इसका सॉल्यूशन करते हैं। जैसे फाइव कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है तो कॉस 60 का मान होता है 1/2 और इस पे स्क्वायर करना है, प्लस में 4 इंटू सेक 30 डिग्री, सेक 30 का मान हमारे पास में होता है 2y, जैसे ये अपोजिट होता है कोस का, कोस का मान 30 का मान कितना होता है रूट थ्री बाई टू, तो टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री, और इसका हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री 1 होता है और इसका स्क्वायर कर दो, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 30 डिग्री है तो साइन 30 का मान होता है 1/2 और इसका स्क्वायर करना है, प्लस में कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान इसका होता है हमारे पास में रूट थ्री बाई टू और इसका होल स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर दिया गया तो होल स्क्वायर कर दो, होल क्यूब दिया गया तो होल क्यूब कर दो, यहाँ से क्या बनेगा हमारे पास में फाइव इंटू ये 1/2 का होल स्क्वायर कितना बनेगा 1/4 बनेगा, प्लस में साइन प्लस का है बीच में, ये फोर है हमारे पास में और इनका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, जैसे फोर है अपॉन में थ्री है, यानी रूट थ्री का स्क्वायर थ्री होगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और टू का स्क्वायर हमारे पास में फोर होता है, माइनस के वन,
अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास में 1/4 और नीचे बनेगा प्लस में रूट 3 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, ये बनेगा 3 अपॉन में 4। तो आप ऊपर वाले का एलसीएम लोगे, जैसे ऊपर वाले का आपने एलसीएम ले लिया स्टूडेंट, कितना ले लिया, 4 है नीचे 3 है और ये 1 है, तो आपने ले लिया इसका 12। कितना एलसीएम ले लिया, 12 एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से 12 पे 4 का डिवाइड करोगे 3 बार डिवाइड होगा, ये 3 का मल्टीप्लाई 5 के साथ में 15 हो जाएगा, प्लस में 3 का डिवाइड करोगे 4 बार डिवाइड होगा, ये 4 का 4 के साथ में मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा। 16 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, 16 का मल्टीप्लाई किसके साथ में करोगे, 4 के साथ में करोगे, तो हमारे पास में 64 हो जाएगा और ये माइनस के 12 हो जाएंगे। अपॉन में नीचे वाले का अगर आपने एलसीएम ले लिया 4, तो ये आपके पास में क्या बनेगा, ये आपके पास में बनेगा यहाँ से 1 प्लस में 3। तो ये आगे का स्टेप क्या बनेगा, आगे का स्टेप आपके पास में ऐड कर दो दोनों को, एक बार इसको सबट्रैक कर दो, जैसे 15 माइनस में 12 3 बचेगा और ये हमारे पास में 64 है, तो 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा भाई, 64 प्लस में 3। नीचे वैल्यू देखो कितनी है, 12 है और ये मल्टीप्लाई में ये 4 ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास में 1 प्लस में 3 अपॉन में आएगा, 4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारे पास में हो जाएगा 67 अपॉन में 12, ये इसका आंसर। ये हमारे एक्सरसाइज 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, इसके 5 पार्टीशन थे और ये बढ़िया क्वेश्चन है, पांचों के पांचों हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। इसका 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।